नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होली पे बड़कुल्लू को आपको कैसे बनाना है और कैसे बनाना है, कितने बनाने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने घर अपने छत पे कोई भी साफ जगह ले ली है और उस पर हम गंगा जल और थोड़ा सा शुद्ध जल छिड़क के उसे अच्छे से लीप लेंगे। और बड़कुल्लू, ये देखिए, बड़कुल्लू को गोबर से बनाया जाता है, तो मैंने गोबर ले लिया है। अब इससे ही अपने बड़कुल्लू को बनाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाना है बड़कुल्लू को। ऐसे पहले आपको थोड़ा सा गोल गोल करना है और उसमें एक छेद कर देना है। छेद इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें जो हमारे बड़कुल्ले हैं उनको पिरोना होता है, इसलिए हमें छेद करते हैं। तो देखिए हमें इस प्रकार बनाना है। तो उससे पहले हम नीचे एक चौक पूर लेंगे। चौक पूरना बहुत शुभ होता है, इसलिए हम चौक पूर लेंगे। तो देखिए हमने आटे की मदद से हम एक अच्छा सा चौक पूर लेंगे। देखिए कैसे ही आप पूर सकते हैं। बड़कुल्लू का होली का दहन में बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। बड़कुल्लू को होलिका में चढ़ाया जाता है। और आप बड़कुल्लू को बनाना प्रारंभ कर दे, सात बना सकते हैं, सात बना सकते हैं, नेक क्या सात या पाँच जरूर बनाएं आप अपने घर पे। एकादशी के दिन आप बना सकते हैं, एकादशी दिन बना सकते हैं। फिर हम अब हल्दी, सभी पे थोड़ा थोड़ा हल्दी ज़रूर डालें आप। तो हल्दी आप ज़रूर डालें। इनको अच्छी प्रकार से सजा देंगे हल्दी से भी। देखिए बहुत ही प्यारे लग रहा है हमारा रंगोली। तो अब हम इस पर अपने बड़कुल्लों को बैठाएंगे और उनका निर्माण करेंगे। तो अब हम इस पर अपने बड़कुल्लों को रख देंगे। देखिए ये हमारा बड़कुल्ले हैं, इन्हें हम रंगोली पर ही रखेंगे। आप बड़कुल्ले के साथ खेल खिलौने, ढाल, तलवार और आदि बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, आप उन्हें भी ज़रूर बनाएं क्योंकि ये सब बनाना बहुत शुभ होते हैं। तारा भी बनाया जाता है, नारियल बनाया जाता है और ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती है, खेल खिलौने। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बना सकते हैं, पर आप ज़रूर बनाएं बड़कुल्ले, पर नेग के साथ या फिर पाँच ज़रूर बनाएं बड़कुल्लों को। तो देखिए हम सभी बड़कुल्लों को बनाकर रख लेंगे अच्छे से। देखिए अब हम एक बड़कुल्ले को और बनाएंगे और उसे बीच में रख लेंगे। बड़कुल्लू को बड़े सावधानी से बनाएं, वो टूट सकते हैं क्योंकि वो गोबर के बने होते हैं। तो देखिए अब हम बनाएंगे एक नारियल। आप नारियल को अब दो दियों में एक पत्थर डालकर बांध कर उस पर मिट्टी से लीप कर फिर ऊपर से गोबर चढ़ाकर एक नारियल का निर्माण कर लीजिएगा। तो वो नारियल आपका बन जाएगा और फिर जब वो सूख जाएगा तो बजेगा भी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए एक ढाल बना लीजिए आप गोबर की सहायता से। मैंने गोबर से एक ढाल बना लिया है। उस सब में आपको छेद करना है। नारियल को जब सूख जाएगा पूरी अच्छी प्रकार से, जब आधा सूखा रहेगा और आधा वो रहेगा, नहीं सूखा रहेगा, तब हम इसमें छेद कर देंगे। और ये देखिए मैं अब बना रहा हूँ तारा। तारा कैसा ही आप बना सकते हैं गोबर से। तो फिर देखिए अब हम इसमें बना रहे हैं एक तारा। एक और हम बनाएंगे, एक और बड़कुल्लों को हम बना के रख देंगे साइड में। अब हम बनाएंगे एक और ढाल बनाएंगे हम एक और, क्योंकि ढाल हमें दो बनानी होती है। आप चाहे तो त्रिशूल, तलवार और जितने भी शुभ चीज़ें होते हैं उन सबको बना दें। तो देखिए अब हम ले लेंगे एक और को और इसे भी बना के रख देंगे। तो बस हम आज इतना ही बनाएंगे, बाकी के हम एकादशी के दिन बनाएंगे। ये हमें ज़रूर बनाने चाहिए बड़कुल्लों को होली से पहले, क्योंकि ये होली का दहन में हमें समर्पित करने होते हैं। तो अब हम सब पे थोड़ा गंगाजल छिड़क देंगे, फिर हम इस पे अब हल्दी और आटे से इन्हें सजाएंगे। तो देखिए सभी पे हम आटा डाल देंगे। आटा थोड़ी आप कम ही डालें, आटा ज़्यादा डालेंगे तो इस पे चींटियाँ पड़ जाएंगी। और इन्हें कम से कम आप दो दिन के लिए सुखाने के लिए ज़रूर से रखें। देखिए सभी पे हम आटा रख देंगे, जब ये सूख जाएंगे तब इनकी माला बनाई जाती है और इन्हें पूजा जाता है। तो उनकी माला बनाने की विधि और इनकी आपको पूजना कैसे है इन सभी को, उसकी वीडियो मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की। मेरे से हो सका तो मैं ज़रूर आपके साथ अपलोड करूँगा। अब हम डालेंगे सभी पे थोड़ा थोड़ा सा हल्दी। ये देखिए हल्दी हमें डालना चाहिए क्योंकि हल्दी हर शुभ काम में प्रयोग की जाती है और हल्दी चींटियों को भी दूर रखेंगी हमारे अपने बड़कुल्लों से।
ये देखिए सभी पे हम थोड़ा थोड़ा सा हल्दी से उनको सजा देंगे। आप या तो यहाँ पे मेहंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं, मेहंदी से भी सजाए जाते हैं, कहीं कहीं लोग मेहंदी से सजाते हैं, गुलाल से सजाते हैं, गुलाल भी जरूर अर्पित करें। पूजने जिस दिन पूजने वाली होली होती है उसकी सामग्री मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा, आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो ये देखिए हमने अपने सभी बड़कुल्लों को सजा लिया है अच्छी प्रकार से, तो हमारे जो बड़कुल्ले हैं बिल्कुल सज धज के तैयार, अच्छे लग रहे हैं हमारे बड़कुल्ले देखिए। तो बड़कुल्ले बनाने की वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और आप सभी को जय माता दी।